नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और आज के इस पॉडकास्ट में बात राज कपूर की। बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर ने न सिर्फ बेहतरीन एक्टर वो थे बल्कि उनकी गिनती हिंदी सिनेमा के शानदार डायरेक्टर्स में की जाती है। फिल्मों को बनाने के लिए राज कपूर जी जान लगा दिया करते थे और ऐसी ही एक फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम थी। इस फिल्म के लिए राज कपूर शशि कपूर के अपोजिट हीरोइन की तलाश में थे। उस दौरान जीनत अमान फिल्म वकील बाबू में काम कर रही थी और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म के सेट पर राज कपूर निराश होकर बैठे हुए थे। उन्होंने अपनी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का जिक्र एक्ट्रेस से किया। जीनत को फिल्म का कॉन्सेप्ट काफी पसंद आया। जीनत अमान कुछ दिनों बाद फिर घाघरा चोली पहनकर दुपट्टा लिए अपना चेहरा एक तरफ से ढककर राज कपूर के आरके स्टूडियो पहुंच गई। अब जो गेटअप उन्होंने लिया था कोई भी जीनत को पहचान नहीं पा रहा था। अब चौकीदार ने वहां पर रोक दिया, राज कपूर के ऑफिस में घुसने नहीं दिया। उसी समय राज कपूर की गाड़ी ऑफिस के गेट के अंदर गई और शोमैन ने घाघरा चोली में खड़ी उस लड़की को देखा। ऑफिस के अंदर जाने के बाद राज कपूर ने चौकीदार को बुलाकर पूछा उस लड़की के बारे में जो वहां गेट पर खड़ी थी। चौकीदार ने कहा, साहब वो लड़की है, कह रही है कि राज साहब से बोलो, रूपा आई है। ये सुनकर राज कपूर ने तुरंत अंदर भेजने को कहा। जब जीनत राज कपूर के ऑफिस में पहुंची तो वो एक्ट्रेस को देखते ही रह गए क्योंकि राज कपूर की तलाश यहां पर रूपा को लेकर खत्म हो गई थी, जिसको लेकर वो परेशान थे। राज कपूर ने तुरंत अपनी फिल्म के लिए जीनत अमान को साइन कर लिया और राज कपूर के पास उस वक्त पैसे नहीं थे लेकिन वो जीनत को साइनिंग अमाउंट देना चाहते थे और ऐसे में उन्होंने अपने पास रखे सोने के सिक्के एक्ट्रेस को बतौर साइनिंग अमाउंट दिए। ऐसे थे राज साहब और ऐसी हैं जीनत अमान। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।